गुजरात के नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की भूपेंद्र पटेल ने। शपथ के साक्षी बने गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल भी पहुंची। राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पहली पंक्ति में बैठा भूपेंद्र पटेल का परिवार। पटेल ने पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण से पहले घर में पूजा अर्चना की गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं kaushalmarty.com K7 न्यूज। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में स्थित राजभवन में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। पटेल ने गुजराती में शपथ ली। वे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। पटेल शाह की अगवानी करने हवाई अड्डे पर भी पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री ने उनके पीठ थपथपाई। शपथ ग्रहण समारोह कैसा रहा जानने के लिए आइए अब हम बात करते हैं गुजरात से मेरे सहयोगी सुमित बसवा से। हेलो। हाँ सुमित। हाँ सर। अब गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में आज भूपेंद्र पटेल जी ने शपथ ग्रहण किया, कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। गुजरात में एक नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गांधीनगर में स्थित राज्य भवन में शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह शाम को पहुंचे। राज्यसभा में मुख्यमंत्री मौजूद थे। पटेल गुजराती शपथ में लिए और गुजरात में 70वें मुख्यमंत्री बने। पटेल शाह की आगामी करने के हवाई अड्डे पे भी पहले पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री उनकी पीठ पे धन्यवाद दिया। अच्छा, अगर सुमित जी अगर हम बात करें तो कौन कौन मंत्री वहाँ पहुंचे थे, कौन कौन नेतागण आए थे वहाँ पे? उसमें गृह मंत्री में आए थे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और 5 राज्य में मुख्यमंत्री आए थे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल घर में पूजा अर्चना के बाद थलतेज स्थिति साईं बाबा के मंदिर और अडालत स्थित दादा भगवान मंदिर पहुंचे और इसके बाद सीधे नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए। इसके बाद उन्होंने पहला ट्वीट जामनगर में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए किया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को एयरलिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। भरूच गांधीनगर से सुमित बसावा की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmarty.com